तो मोमिन भाई स्टार्ट कीजिए। तो मोमिन भाई रेडी हो चुके हैं, चलिए मोमिन भाई। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं मोमिन व्लॉग्स। तो आज का डे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फ्रेश हो चुका हूँ, चाय भी हो गई है। तो आज दिन में जो जो सीन रहता है तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। आप इस वीडियो में बने रहिए। हाँ जी गाइज, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम बाहर। तो मेरा जूते कहाँ गए? जूते शायद अंदर ही रह गए। तो ये रहे जूते, तो चलते हैं बाहर, लगाते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर निकलते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा घोड़ा, तो लगाते हैं चाबी और निकलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम निकल चुके हैं। पहले पेट्रोल फिल करेंगे, तो उसके बाद चलेंगे आगे। बुलाया तो गाइस यहां पे पेट्रोल हो चुका है, तो चलते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ रामबाग। तो पहले जाते हैं कलीम भाई के घर, वहाँ पे मेरी हेलमेट है, तो वहीं से कलीम भाई भी आएंगे, तो मिलते हैं वहीं पर। गाइस यहाँ पे मैं आ गया हूँ सलीना के पास। यहाँ पे इसका नाम है मलेशिया है, तो कश्मीरी मगर नाम यहाँ पे मलेशिया रखा है। यहाँ से मुझे लेफ्ट निकलना है, तो कलीम भाई आगे मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं कलीम भाई के पास, देखते हैं कलीम भाई क्या कर रहे होंगे। कलीम भाई ने बोला था मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो वो है नहीं, शायद थोड़ा सा आगे है वो। कलीम भाई, कलीम भाई, वेयर आर यू? उसका घर है, तो अभी तो वो दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे आपके कलीम भाई साइड में है, ये रहे आपके कलीम भाई। तो चलिए कलीम भाई, आप ठीक है? चलिए पीछे। तो हम जाते हैं पहले यहाँ पे कलीम भाई के घर, वहाँ पे हेलमेट वेलमेट लगाएंगे, तो चाय शाय पियेंगे, तो वहीं से हम आपका दिन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस। मीनवाइल तो कलीम भाई के एरिया से तो सड़क बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। कलीम भाई इनका क्या करना है, इनका क्या सीन है? बैठे हैं आपके इंतजार में। खुदाया रहम, खुदाया रहम करिसे, खुदाया रहम करिसे।
فلیمان یور شیر نجائی بات سو گائز یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں کلیم بھائی کے گھر. کلیم بھائی رکھے یہیں پہ سکوٹی. سو گائز یہاں پہ سکوٹی پہلے رکھتے ہیں, جاتے ہیں اندر, وہاں سے ہیلمٹ نکالتے ہیں تو چائے پیتے تو نکلتے. 15 منٹس لیٹر کلیم بھائی میری سکوٹی کہاں ہے؟ سو گائز یہ رہی میری سکوٹی, 4 مہینے سے ادھر ہی ہے. اس کی جو چابی ہے وہ گھوم گئی ہے, دیکھیے اس کا یہ بھی ٹوٹا ہے. تو پہلے اس کو 2-3 دن کے بعد ریپیئر کریں گے تو پھر اسی سے رائڈ اسٹارٹ ہوگی. تو گائز یہاں پہ ہیلمٹ ہم نے لے لیے, چائے بھی ہو گئی ہے. تو چلیے کلیم بھائی کیجیے اسٹارٹ. تو آج کا دن ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. تو مومن بھائی ریڈی ہو چکے, چلیے مومن بھائی. تو گائز ہم یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں, تو چلتے ہیں آگے. تو گائز ہم یہاں پہ نکل چکے ہیں, تو پہلے ہمیں جانا ہے ڈل گیٹ. यहाँ पे हम आ चुके हैं बाहर, मेन बट मानो यहाँ से राइट निकलेंगे. यहाँ से होती है हमारी राइट स्टार्ट. تو گائز آج بہت زیادہ گرمی ہے اور اوپر سے یہاں کا ٹریفک جام. تو ہم ڈل گیٹ آئے تھے, یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک جام ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے مومن نے کہاں سے اسکوٹی نکالی, تو یہاں پہ ہمارا مومن پرو رائڈر نکلا. تو ہم چلتے ہیں ڈل گیٹ کی اور جہاں بھی ہم نکلتے ہیں تو پہلے ہمیں سب سے پہلے ہمیں بھوک لگتی ہے. او مائی گاڈ, تو سب سے پہلے ہمیں بھوک لگتی ہے. تو پہلے کہیں پہ کچھ جوڑتے ہیں تو پہلے کچھ کھاتے ہیں, اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے وہیں سے. تو مومن بھائی نے یہاں پہ پانی پوری والے کو دیکھ لیا. لگاؤ بھیا, خود نکالے پلیٹ, کوئی بات نہیں, خالی مشین والے اس میں. سو گائز پہلے کھاتے واتے تو اس کے بعد ہم ملیں گے اسی ویڈیو میں. تو مومن بھائی اسٹارٹ کیجیے. چیلنج کرنا ہے کیا میرے ساتھ؟ میرا بھی کھا لیا. تو یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے گلوز پہلے. میں آپ کہاں سے ہو؟ رانچی. وہاں نہیں بکتے ہیں گول گپے؟ وہاں سے یہاں آنا تو مومن بھائی آپ آدھے گھنٹے سے کھا رہے ہیں. کتنا ہو گیا بھیا؟ 150 روپیہ دے گا. 150 روپیہ قسم سے. مومن بھائی کتنا کھایا ابھی؟ تو پیٹ نہیں بھرا ہے, ابھی آگے جانا ہے وہاں پہ کھاتے ہیں, شام تک تو کھانا ہی کھانا ہے. تو یہاں پہ پانی پوری والے بھائی کچھ بول رہے ہیں مومن بھائی کو. مومن بھائی اس کا فون ٹھیک کرتے ہوئے. اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, 7 ہے نا. 7 ہے. ہاں تو دیکھتے کوڈ کیا ہے. تو گائز پانی پوری ہو چکی, تو یہاں پہ ہم جائیں گے پہلے استان مرگ, ملتے ہیں وہیں پہ
तो यहाँ से कम आधा घंटा लगता है वहाँ तक, तो जाते हैं वहीं पे, तो वहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियो में बने रहे और ऐसा ही सपोर्ट करते रहे। लव यू गाइस। गाइस यहाँ पे आज तो गाइज यहाँ पे हम फाइनली निशात पहुँच चुके हैं। तो मोमिन भाई ने बोला कि यहाँ स्टे करते हैं, मैंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं, कि यहाँ बहुत भीड़ है, पता नहीं फिर कब वापस निकलेंगे, तो टूरिस्ट बहुत आए, तो हम सीधा चलते हैं आस्थान मार्ग की ओर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और मंडे है आज, अगर संडे होती तो बहुत मुश्किल हो जाता आज। तो गाइस ये है शालीमार, ये इसका मेन गेट। तो अभी तो हम स्टे किसी जगह नहीं कर सकते क्योंकि हमें अस्थान मार्ग के लिए निकलना है। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है गाइस इस वीडियो का नाम ही हम स्पीड ब्रेकर रखेंगे, स्पीड ब्रेकर व्लॉग्स। तो गाइस ये है यहां पे ग्रीन पार्क फॉर्म, ये रही फॉर्म पार्क, इसकी पार्किंग यहां से इस साइड से इसकी पार्किंग है, ये एक और देखिए यहां से इसकी पार्किंग, ये सारी इसकी पार्किंग है। गाइस हम किसी जगह रुक नहीं सकते, हमें बहुत ऊपर जाना है, ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पे सामने पुलिस वाले देख रहे हैं, पुलिस वाले हैं तो ये शायद रुका रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे किस्मत तो बड़ी ठीक निकली, तो यहाँ से भी एक जगह सकते थे, बट हम जहाँ से मैं स्कूल जाता था और मुझे घर की बहुत ही ज्यादा याद आती। और हाँ यहाँ से एक और चीज, यहाँ से पूरा ऑफ रोड जाते हैं, पूरा ऑफ रोड है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ सीधे रास्ते से मिलती है। ये जो आप गाइस आप देखते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ताजिकान नेशनल पार्क, तो वहाँ भी मैं गया हूँ कभी, वहाँ का ब्लॉग भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ का ब्लॉग भी हम जल्दी डालेंगे। तो यहाँ से निकलता है, ये है पुल, यहाँ पे आधे मतलब यहाँ पे नहाते वहाते हैं गाइस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तीन डेथ्स भी यहाँ पे होगी, तो उसके बाद यहाँ से सारा कुछ बंद हो गया, मतलब आ रहे यहाँ से बंद हो गया। सो गाइस पहले हम यहाँ पे कुछ लेंगे, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। फिलिम चल गाइस, ये रखते हैं वापस, तो हमने निकाला यहाँ से नक्स, नक्स इसका फेवरेट है, इसलिए कितना हो गया हमारा। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना खाना ले लिया है, वहाँ पे थोड़ी भूख लगी थी इसलिए, तो वहाँ पे बैठेंगे बैठेंगे उसके बाद निकलते चले गए भाई। तो चलिए मोमिन भाई गाइस चलते हैं आगे, तो गाइस वहीं पे मिलते हैं, आपको दिखाते रहेंगे कि वहाँ का रोड ना थोड़ा हिल रोड है, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट हमें तो बर्फ दिखाना है, तो आप देखते रहिए। चलिए फिलिम भाई। तो गाइस आप
से देख सकते हैं कि रोड कैसा है यहाँ से। अभी आगे का पता नहीं कैसा होगा, आगे ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। गाइस ये बहुत ही काम है यहाँ पे, तो इसके आगे जो रोड है तो वो बहुत ही हिल रोड है। आप देखना वहाँ से कितना खतरनाक रोड है। तो गाइस यहाँ पे पूरा हिल रोड है। आप यहाँ से देख रहे होंगे ये जो यहाँ की बस्ती है ना गाइस, इसके साथ हमें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो ये यहाँ पे अच्छे से खिलाते उलाते थे जब हम बोर्डिंग स्कूल से बाहर आते थे, तो ये हमें खिलाते उलाते थे। फिर यहाँ की बहुत ही याद आती थी, तो आज हम यहाँ पे आए तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी, बहुत ही याद आती है स्कूल की। सर मिला था मुझे। सो गाइस यहाँ पे सर मिले थे पीछे, बोल रहे क्या इसका व्लॉगिंग व्लॉगिंग करा मेरे को आना सर। गाइस तो बस ऐसे ही ये रहा स्कूल। सो गाइस ये रहा मेरा बोर्डिंग स्कूल मेरा स्कूल। सो गाइस स्कूल के साथ बहुत ही ज़्यादा याद है मेरी। वो रहा गेट कीपर जो मुझे चोरी चोरी बाहर भेज रहा था। बाइक की बातें हो रही है। तो यहाँ पे मोमिन भाई स्कूल के अंदर जा चुके हैं। स्कूल बहुत ही याद आती है स्कूल की गाइस। तो वहाँ पर उस साइड से हम खेलते थे गाइस, वहाँ से हम गाइस खेलते थे। यहाँ पे वॉलीबॉल था, इसमें भी हम क्रिकेट खेलते थे। ये रही हमारी पार्क, आप देख रहे होंगे गाइस इसमें मछलियाँ हैं, उसमें भी मछलियाँ, इसमें भी मछलियाँ हैं। तो यहाँ से मैं, ये है स्कूल की मस्जिद, तो यहाँ पे वहाँ पे सब वजू बनाते हैं। तो उसके बाद ये है स्कूल की मस्जिद जिसमें हम नमाज पढ़ते थे। यहाँ पे मोमिन भाई बहुत रो रहे हैं। मोमिन भाई कैसा लगा स्कूल आके? So guys, ये मेरे लिए स्कूल नहीं था, ये मेरे लिए घर था, क्योंकि 6 साल के 7 साल में आ रहा हूँ। दोना खाना पीना सोना सारा यहीं पे होता था गाइस। तो चलिए आगे निकलते हैं स्नान मार्ग के लिए, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। स्टेडियम आपको पिछला साइड दिख रहा होगा, अभी जब आप आगे वाला साइड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको स्कूल का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे आसमान पर। यहाँ पे
तो गाइस मोमिन भाई को बहुत याद आ रही है सुकुल की, फिर से जा रहे हैं सुकुल क्योंकि इसको वसीम सर ने बुलाया है। तो हम पिछले साइड से, जैसा कि आपने पहले देखा था, हम पिछले साइड से, तो सर ने इसको फिर से बुला लिया, तो हम वापस जा रहे हैं यहाँ पे सुकुल की ओर मोमिन भाई के। लगता है मोमिन भाई के फेवरेट सर थे। और यहाँ पे साइड से पूरा महब बनाया है, यहाँ पे हाथों से बनाया, हैंडमेड है। सो गाइस हम यहाँ से आप निकल चुके हैं। जब मैं तब आता था स्कूल तो मुझे लट लगी थी, तो निकलते हैं कब निकलेंगे स्कूल से। आज पता चलता है कि एक स्टूडेंट के लिए स्कूल कितना जरूरी होता है। तो गाइस हमें आज तो पहले ब्लॉग की तरफ देखना है, स्कूल गया, तो आप चलते हैं आसमान मार्ग की तरफ, वहीं मिलता है। सो गाइस आपने देखा होगा मेरी स्कूल का सब कुछ, तो मैंने सब कुछ दिखाया था। तो अब हम निकल चुके हैं आसमान मार्ग की तरफ, तो चलते हैं आसमान मार्ग की तरफ। और अब आप देख सकते हैं स्पीड, ओ भाई अब फिर से डाउन हो गई स्पीड। हम यहाँ से आए थे और हम यहाँ से अपना दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें चढ़ना है अभी हम यहीं पे है। अभी यहाँ से निकल के फिर राउंड मार के पूरा फिर वहाँ से निकलना है, तो आप देख तो रहिए। तो गाइस आप स्कूटी की स्पीड देखिए, पूरी मैंने एक्सीलेटर पूरा दे के रखे, तो 22 से ऊपर, 25 से, 27 से ऊपर नहीं जा रही है स्पीड, तो बहुत ही हिली एरिया है यहाँ से। यहाँ से तो दिक्कत होगी चढ़ने में, बट जब आप वहाँ से बहुत ही मजा आएगा उतरने में। देखिए यहाँ पे ऑफ रोड है, फिर से अभी बहुत सारे ऑफ रोड बाकी है। देखिए बहुत बड़ा कट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा कट लेना होता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो हमने इसलिए वीडियो बंद किया था क्योंकि फोन गिर ज्यादा। यहाँ से पूरा ऑफ रोड है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये आपको सबको पता होगा, ये क्या, इसको कहते हैं कश्मीरी जजीर। तो ये है हमारी सरकू की यार। तो यहाँ से हम निकलेंगे अब गाइस। लिटरली यहाँ से इतना रास्ता खराब नहीं था, यूं तो कुछ यहाँ से काम चल रहा है तो इतना रास्ता यहाँ से खराब हो चुका है। ओ भाई पूरी ऑफ रोडिंग भाई पूरी। सो गाइस यहाँ पे मैं हम पहुँच गए हैं थोड़ा सा नज़दीक, तो आप ऊपर से देख रहे होंगे कितना ऊपर अभी हमें चलना है तो जाना है। तो गाइस आप तब तक बने रहिए, तो हम वहीं पे आप मिलते हैं क्योंकि फ़ोन ऐसे नहीं रख सकते, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस जैसा कि आपको पता है हम कितना ऊपर आ चुके हैं, तो मुझे मोमिन भाई पे पूरा भरोसा है ये हमें पहुंचा के रहेगा ऊपर, नहीं तो यहाँ सही आसान मार्ग तो पहुंचा दूंगा उतना तो मुझे पता है भाई। क्या रोड है आप देख सकते हैं। मोमिन भाई आप आगे देखिए, आपको व्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में देख लेना। यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास, तो आई थिंक गाइस ये रोड नहीं जाता है।
सो गाइज यहाँ पे हम थोड़ा रास्ता भूल गए, तो मैंने स्कूटी पीछे रखी है यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ से किसी से पूछेंगे कि रास्ता, मुझे यहाँ का रास्ता पता था बट थोड़ा सा भूल गया है यहाँ का रास्ता। पीछे से देख रहे हैं कि कितना ऊंचा है ये। तो गाइज पहले किसी से 12 seconds later, चलो मैं निकलता हूँ, यहाँ से जाते हैं। खुश हो गया तू? खुश हो गया? 10 रुपये मांगे 50 दिए, खुश हो गया? कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? फकीर गुजरी में। पापा का नाम क्या है? नीरजुमान। यहाँ क्या कर रहा है? खेले। यहाँ पे क्या कर रहा था? खेले, घूमने आया है। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो गया, हम ज़्यादा ऊपर आए, जाना तो हमें वहाँ था, तो हम यहाँ से ज़्यादा ऊपर आए और आप देख सकते हैं हमारा फ्यूल लो हो चुका है पूरा। तो आगे चल के देखते हैं क्या सीन रहता है, तब तक के लिए आप बने रहिए। सो गाइस यहाँ पे हम वहाँ पे थे, वो जो आपको ऊपर दिख रहा है छोटा सा वहाँ पे, तो वहीं पे थे हम, वहाँ से हम राउंड करके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से ये है असली मेन रोड जो है अस्तान का, यही पड़ता है, यहाँ से हम निकलेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और ऐसा ही प्यार आप देते रहिए यार। तो ये रहा यहाँ पे, ये है यहाँ पे अस्तान, और जो वहाँ पे ऊपर से इसका अस्तान। भाई साहब, मोमिन भाई क्या कहने हैं आपके, कैसा फील लग रहा है आपको? सर बहुत भारी हो गया था गाइस, आप यहाँ से देखिए कितना ऊपर थे। पहले हम हमारी जो सड़क वहाँ पे थे, हम जूम करके दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे थे हम उस वाले घर के पास। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए। चलिए गाइस, तो यहाँ पे पहले पेट पूजा करते हैं। यहाँ पे मोमिन भाई को देख सकते हैं, इतनी भूख लगी है इसको की चारों खुद को ले लिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। अब देखिए कैसे खा रहा है। तो हम तो बैठे थे ना, हमें भी तो कुछ दे दो, हम गरीबों को कुछ दे दो भाई। चलो भाई का शुक्रिया कीजिए, दे दिया कुछ। कमेंट्स में जरूर बताना, ऐसा हरामी भाई नहीं होना चाहिए। पहले खुद को खाता है फिर दूसरों का देता है। Look at the view. चिका पर वो तो क्यों तो सुनो नहीं हेर के? चिका पर वो तो क्यों? यहाँ से? वहाँ से शॉर्टकट भी है? तो गाइस जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मेरी स्कूटी वहाँ पे, तो मैं स्कूटी लाता हूँ, तो फिर हम निकलते हैं। तो देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ऐसा ही प्यार देते रहिए गाइस। तो निकलते हैं, करते हैं स्कूटी स्टार्ट, तो आप वीडियो में बने रहिए भाई। जाओ बिलो भाई। तो गाइस यहाँ पे हेलमेट लगा ली है, तो चलिए निकलते हैं, बाकी का सीन आगे देखते हैं क्या रहता है। तो तब तक आप, तो चलिए गाइस निकलते हैं अपने घर गेट की ओर। बहुत थक गए हम यार, स्कूटी चलाते चलाते। कलीम भाई को मैंने बोला था तो कलीम भाई ने मना किया चलाने के लिए। गाइस यार मोड नहीं है स्कूटी चलाने का। कलीम भाई यार चीज़ ठंड बहुत है यहाँ पे, धूप भी है मगर ठंड भी है, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। तो कैसा मिलते हैं डल गेट में, तब तक के लिए बने रहिए स्टे ट्यून्ड। 1 hour later. तो गाइस मोमिन भाई ने बोला कि यहाँ चलते हैं, भाई की फेवरेट प्लेस है। तो कौरम खाते हैं कोशर पेट मकाई वट। तो मोमिन भाई का फ्रेंड तो मोमिन भाई जल्दी लीजिए दो। तो मोमिन भाई कैसा टेस्ट है? टेस्ट तो बढ़िया है, आपकी दाल से तो अच्छा टेस्ट है। क्या बोल रहे हो मोमिन भाई, खाओगे? इसको कंप्लीट करने दो फिर आपके खाते हैं। हाँ बुखार कहीं का। सो गाइस यहाँ पे हम चलते, लीजिए कलीम साहब, अब मैं स्कूटी नहीं चला सकता तो आप ही ड्राइव कीजिए। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे, लगता है गाइस यहाँ पे बंद है, तो हम निकले आगे।
तो फिर आगे ही डालते हैं पेट्रोल। पेट्रोल जरूरी डालना है क्योंकि अगर स्कूटी बंद हो गई तो हमारे तो लग गए फिर। चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एनिमाई कैमरा सेटअप कर रहा है, तो पहले कुछ खाते हैं तो उसके बाद मिलते हैं बाहर। यहाँ पे खाना पहले इसको खत्म करते हैं तो करोर व्यू। One hour later गाइस यहाँ पे खाना वाना हो चुका है, तो चलिए कलीम भाई निकलते हैं घर के लिए। चलिए तो राहुल भाई ऑडियंस को बाय कीजिए। बाय बाय बाय, तो मिलते हैं सीधे घर पे। सो गाइस यहाँ पे मैं घर आ चुका हूँ, चलते हैं अंदर, रखते हैं स्कूटी अंदर। तो यहाँ पे भी शायद कोई मेहमान आया तो तब तक स्कूटी यहीं पे रखेंगे, फिर उसके बाद अंदर ले जाएंगे। तो चलते हैं करते हैं अंदर बात। गाइस तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने घर सही सलामत। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही फन किया हम लोगों ने। तो ऐसे ही वीडियो रोज आते रहेंगे, ऐसा ही सपोर्ट आप देते रहे। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। बाय बाय गाइज़।